क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट है आपको, है ना, फोर में डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो जरा, एनसीईआरटी लाया हमारे यहाँ, हैव अ लुक बेटा, यू ओपन एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, आर्यन, तो थ्री देखो तो कैसे करेंगे, अच्छा सबसे पूरा पढ़ के कौन आंसर करेगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, फिर देखो कौन आंसर इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या लिखेंगे। यू रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, यू ऑल, इट्स बेटर टू राइट द आंसर, लिखो आंसर, लिखो जरा उसका, तो मुझे पता चलेगा क्या क्या किया है। But where is the fraction? But why? पता नहीं, सोचो क्या लगेंगे आंसर, छोटा सा आंसर लिखना है, दो लाइन का बस, ज्यादा नहीं लिखना, बस दैट शुड बी द बेस्ट आंसर, दैट एक्सप्लेन why that's true or false for here. Did you know? अरे क्वेश्चन क्यों लिखेंगे बे? क्वेश्चन क्यों लिखा है? देखो वाली बात करते हैं, ऐसी बातें मत किया करो। Be intelligent. बहुत दूर से आ रहा है यहाँ पर, घर है तुम्हारे? नहीं सर, हमने बहुत भी बाहर गए थे। बाहर गए? लिखिए आपने सात्विक, आपने किया है 1.4 किया है? नहीं नहीं देखो, हम तो बताएंगे ही, पर हम चाहते हैं कि पहले आप ट्राई करो, नहीं यू ट्राई, जितना दिमाग लगाना लगा तो, है ना, हम तो बताएंगे आंसर, आप दिखाओ तो क्या आंसर लिखे हो, होमवर्क चेक कराते हैं। कोई और क्वेश्चन कर दिया
आपने भी सेंस को सुन ले लिया है आप बता दें क्या लिखने का सेंस है सोचो सोचो मतलब क्या सेंस है क्या देखो क्वेश्चन नंबर थ्री बोलता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज पाई क्या होता है रेशियो होता है पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सुनो ध्यान से अब नहीं अब हो गया टाइम अब बाद में चेक करेंगे अब सुनो ध्यान से हम चेक कर देंगे बाद में चेक कर देंगे अब सुनो ध्यान से है ना रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी उसने बोला सर्कमफेरेंस को सी बोल दिया ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी डायमीटर को क्या मान लिया डी यही होता है पाई का डेफिनेशन व्हाट इज पाई सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाई diameter of a circle. C for circumference and D for diameter. Pi is defined like this. This seems to contradict that the pi is an irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है? तो इसने ये नहीं बोला कि ये contradict करता ही है. ये बोल रहा है this seems ऐसा लग रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पाई क्या होता है ये रैशनल होता है तो ये कहना चाह रहा है कि जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है पी बाई क्यूब के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर क्या होता है पी बाई क्यूब के फॉर्म में होता है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो रैशनल नंबर पी बाई क्यूब के फॉर्म में होता है और ये कह रहा है यहां पर पाई का डेफिनेशन भी तो ऐसे ही होता है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर ये भी कुछ फ्रैक्शन ही है पी बाई क्यू की जगह सी बाई डी है तो ये लग रहा है ये भी रैशनल हो जाएगा लेकिन रैशनल पाई तो इरेशनल होता है तो बताओ ये तो ऐसे देख के तो लग रहा है कि ये इरेशनल है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कॉन्ट्राडिक्शन मतलब समझ रहे हो क्या उसको डिसप्रूव कर रहा हो किसी चीज को डिसप्रूव करने का मतलब किसी चीज को गलत जस्टिफाई कर रहा हो जैसे पाई होता है इरेशनल लेकिन इसको देख के लग रहा है कि इरेशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है लग रहा है कॉन्ट्राडिक्शन तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्यों नहीं है पता है कि कोई भी नंबर अगर सी बाई डी के फॉर्म में हो तो थोड़े जरूरी है कि वो रैशनल होगा अगर कोई नंबर C by D के फॉर्म में तो रेशनल होगा क्या होगा रेशनल नहीं P by Q की जगह C by D भी लिख सकते हैं P by Q होना जरूरी नहीं है A by D भी लिख सकता है कोई C by D भी लिख सकता है X by Y भी लिख सकता है तो अगर कोई नंबर C by D के फॉर्म में है तो रेशनल होगा हाँ ये हो सकता है कि C की वैल्यू सर्कमफेरेंस कितना आ जाए रूट थ्री आ जाए तो इस तो हम यहां पे लिखेंगे कि कोई नंबर सिर्फ P बाई क्यू के फॉर्म में या
सी बाई डी के फॉर्म में होने से रेशनल नहीं हो जाता है। कोई भी नंबर अगर सी बाई डी के फॉर्म में है तो इसको रेशनल होने के लिए सी और डी को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा, एज वेल एज डी नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो पर उसने तो ऐसा बोला नहीं। पाई तो क्या होता है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस कोई इंटीजर आए हमेशा गारंटी है क्या? सी क्या आएगा? मैं रूट थ्री भी आ सकता है, रूट फाइव भी आ सकता है, रूट सिक्स भी आ सकता है। सर्कमफेरेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो तो क्या लिखेंगे इसका? इट सीम्स दैट सी बाई डी इज रैशनल, बस ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, बिकॉज सी एंड डी मे नॉट बी इंटीजर्स। नहीं, इसको रेशनल होने के लिए सिर्फ सी बाई डी होने से रेशनल थोड़ा ना हो जाएगा। सी और डी को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर ही होना पड़ेगा। लेकिन आपको किसने कहा कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ऐसा तो नहीं है, सर्कमफेरेंस कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही लिखना, बेसिक जो डेफिनेशन है, रैशनल होने के लिए सिर्फ सी बाई डी होने से नहीं हो जाता है, सी और डी को इंटीजर भी होना पड़ेगा, एज वेल एज क्यू। सो क्यू की जगह यहाँ पे डी है, डी जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि सी और डी क्या नहीं रहा हो? इंटीजर नहीं रहा हो, पक्का ही नहीं रहा होगा। अगर सी और डी इंटीजर रहा होता तो पाई भी रैशनल हो जाता। फिर समझे बात को? लिख लीजिए उसको। या ऐसा लग रहा है पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ सी बाई डी लिखने से रैशनल नहीं हो जाता है। सी और डी इंटीजर भी होना चाहिए। उसने थोड़ा बोला कि इंटीजर है, बट इट इज नॉट। वाई? बिकॉज सी एंड डी मे नॉट बी इंटीजर। समझ गए? लिख लिया भाई। और बताओ कौन सा डाउट है? फोर्थ के अलावा कौन डाउट है? नहीं, आर्टिस्ट सवाल में कोई डाउट है? आपको डाउट है आर्टिस्ट सवाल में? कौन सा बताइए? थर्ड का 1.4 का थर्ड का 6। ओके, ये बुक किसकी है? आपकी है? आर डी शर्मा 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। इससे पहले किसी को डाउट है क्या? आर्यन तुम क्यों है? कोई डाउट? कौन सा डाउट बताओ? ये थर्ड का 6 किए हो तुम? इसमें बोला एग्जामिन फेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल। ये बोल रहा है कि रूट 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये जो नंबर है रैशनल है कि इरैशनल है, ये पूछ रहा है आपसे। हाँ, रैशनल है। और कौन बताएंगे ये नंबर रैशनल? आपने किया है क्वेश्चन, बताइए तो रैशनल है कि इरैशनल है? और है तो क्यों है? जो भी आंसर है व्हाई, इरैशनल है। हाँ, अब पूछेगा तो बताना। की और कोई बताएंगे?
हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है रैशनल है कि इरैशनल। हाँ बताओ रैशनल क्यों है आर्यन? तुम लगता होमवर्क अच्छे से नहीं किया, फिर लाओ तो जरा एक बार चेक कर कहाँ किया होमवर्क। लाओ होमवर्क नोट बुक क्यों? अच्छा टेंथ का लाया होमवर्क वाली नोटबुक लाया, उस क्लास में होमवर्क चेक करूंगा फिर। हम बताओ ये किया है ना क्वेश्चन क्यों है रैशनल बताओ सर? ये a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला है। हाँ सही बता रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ गुड वेरी गुड। a माइनस b का फार्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है मारिया? यू नो a माइनस b होल स्क्वायर इज या इज इट? सो अब तक कोई इसका लगा ये a है और ये b है तो क्या हो जाएगा फिर? A का स्क्वायर क्या होगा? इसको एक बार लिख देता हूँ, 4 नहीं होगा यार, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2 इंटू 2। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा? रूट 4 होगा। रूट 4 इज प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये कितना होगा बताओ? 4 रूट 2 हो जाएगा। 2 प्लस 4 कितना होगा? 6 माइनस 4 तो 6 क्या है, रैशनल है कि इरैशनल है? 6 क्या है? रैशनल। 4 रूट 2 क्या है, रैशनल है कि इरैशनल है? इरैशनल। एक थ्योरम लिखाए थे रैशनल माइनस इरैशनल क्या होगा? इरैशनल नहीं है। उसकी रिकॉर्डिंग आपने अपलोड की? आप तो क्लास में थे लेकिन नहीं थे तो आपने तो बोला आपने क्वेश्चन कर लिया है। नहीं तो आपको बोलना चाहिए सर मेरी क्लास मिस हो गई है। ये क्या रेस्ट, तो ये क्या आंसर क्या होगा? समझे समझे आप? समझ आया बेटा? गुड लिख लीजिए, लिख लिया इसको। आपने क्या था इसको ऐसे कैसे पता चला? नहीं नहीं ऐसे लिखेंगे, लिखो जल्दी लिखो इसको कंप्लीट करो, एक मिनट का टाइम बस। आपने ऐसे लिखा था तो लिखो फिर ऐसे लिखो। हो गया मिटा तो इसको जल्दी तेजी से लिखो। मिटा तो इसको ओके okay. और कौन सा डाउट है बताओ? फोर्थ का सेकंड, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरैशनल, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी लिखो। तो आर डी शर्मा का फोर्थ का कौन सा बताया बेटा? सेकंड। 3√18 ये बताओ ये रैशनल है कि इरैशनल है? इरैशनल है। पता क्यों? क्यों पता बताओ? इस अर्थ में 3√18
आप बताओ रैशनल है कि इरैशनल है? आप बताइए बेटा। नहीं नहीं हमें आंसर नहीं निकालना है, हमें पता करना है कि रैशनल है कि इरैशनल है, बस। इरैशनल व्हाई? इरैशनल है। आपने क्या लिखा है? रैशनल। क्यों है रैशनल? क्यों है रैशनल बताओ? ये क्या है बेसिकली? इसका मतलब है 3 into √18। 3 क्या है? रैशनल है कि इरैशनल है? 3 रैशनल है। √18 क्या है? हाँ, क्योंकि ये इरैशनल क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर कोई भी नंबर जैसे 25 का रूट वो है रैशनल। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उसका रूट रैशनल होता है, और ये है इरैशनल। हमने लिखाया था ना, अगर एक रैशनल नंबर हो, नॉन जीरो रैशनल नंबर हो, 3 जीरो है क्या? अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर है इनटू इरैशनल नंबर है तो पता क्या होगा? इरैशनल होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, ऐसे बताओ रैशनल इनटू इरैशनल क्या होगा? हमेशा हमेशा होगा? एक एक्सेप्शन है, अगर जीरो, देखो जीरो इंटू √3 ये रैशनल है। जीरो तो रैशनल है, √3 इरैशनल है। लेकिन आंसर क्या है इसका? जीरो। जीरो फिर से रैशनल होगा। एक एक्सेप्शन भी है, हमेशा रैशनल इंटू इरैशनल इरैशनल नहीं होगा। इसे बोलते हैं नॉन जीरो। क्या? नॉन जीरो रैशनल। क्या लिखाया था ना, एक थ्योरम लिखाया था, नॉन जीरो रैशनल इंटू इरैशनल। ये क्या होता है? ये होता है इरैशनल। सो हियर 3 इज नॉन जीरो रैशनल। इज इट जीरो? नो, इट इज रैशनल बट नॉट जीरो, एंड दिस इज इरैशनल। सो 3 इज नॉन जीरो इरैशनल एंड दिस इज इरैशनल। सॉरी, 3 इज नॉन जीरो रैशनल एंड दिस इज इरैशनल। आंसर क्या होगा फिर? इरैशनल। सो कैसे लॉजिक देखते हैं, लिखो फिर इसको भी। देखो तो रैशनल इनटू इरैशनल हमेशा इरैशनल इरैशनल नहीं होगा। एक ही एक्सेप्शन है लेंगे, कब? हाँ, जीरो रैशनल हो जाएगा तो। लेकिन जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर है उसको इरैशनल से इनटू करेंगे ना तो हमेशा इरैशनल ही आएगा फिर। इसलिए ऐसे लिखते हैं हम, रैशनल इनटू इरैशनल इरैशनल नहीं बोलेंगे। इंस्टेड क्या बोलेंगे? नॉन जीरो रैशनल। क्या? नॉन जीरो रैशनल इनटू इरैशनल इज इरैशनल। समझा? आप बताओ कौन सा डाउट है? एट्थ, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पूछा है? वन इरैशनल नंबर बिटवीन, वन इरैशनल नंबर, कौन सा क्वेश्चन था? 8। फाइंड वन इरैशनल नंबर बिटवीन 0.2101 एंड क्या? 0.2222.0.21। ये और ये एक ही बात है, मतलब आपको किसके बीच इरैशनल नंबर निकालना है?
तो ये रैशनल है कि इरैशनल है? क्यों है रैशनल? क्योंकि इरैशनल नहीं है। इरैशनल क्यों नहीं है? ये रैशनल है कि इरैशनल है? ना, ये भी रैशनल नहीं, ये भी रैशनल है। देखो डेसिमल को देख के भी पता चलता है कि रैशनल है कि इरैशनल है। नहीं है बेटा, सुनो, इधर टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट कर गया तो ये क्या है? रैशनल। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है, ये टू रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी रैशनल होता, भी रैशनल होता है। जैसे तुम बताओ 10/3 रैशनल है कि इरैशनल है? हाँ रैशनल है ना, इसका डेसिमल निकालोगे ना 3.333 खत्म नहीं हो रहा कभी। हाँ तो ऐसा नहीं है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो इरैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी रैशनल हो सकते हैं अगर वो क्या हो, रिपीटिंग हो। तो इरैशनल नंबर कैसे डेसिमल्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। जैसे मान लो ऐसा ले लिया 1.701001000007 5100000001 ये क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एज वेल एज नॉन रिपीटिंग भी। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है? रैशनल नंबर, समझे? तो ये इसको इक्वल टू ये लिखने का मतलब है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर क्या है दिस वन और दूसरा नंबर ये है। अब इस दोनों के बीच एक इरैशनल नंबर निकालना है मेरे को। क्या नंबर निकालना है? इरैशनल। क्या होगा बताओ, माननीय बताओगी? इसके बीच इरैशनल नंबर निकाल, ये दोनों रैशनल है, इसके बीच एक इरैशनल नंबर निकालना है। हाँ बहुत आसान है ये। आप नहीं, लंबा लाइन की जरूरत नहीं है, आप बताओ। 0.01002 0.02 3406 06 8 7 0 0 7 5 6 7 5 6 0 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
अगर डॉट डॉट नहीं लगाया तो पता चला कि यहाँ पे जाकर टर्मिनेट कर गया फिर, नहीं तो डॉट डॉट लगा दिया। अब देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। रेकरिंग और रिपीटिंग एक ही चीज होता है ना। अब ये जो नंबर है इससे बड़ा है कि छोटा है, इससे बड़ा है कि छोटा है नंबर? क्यों टू ये मैच कर रहा है, ये वन मैच कर रहा है, जीरो मैच कर रहा है, यहाँ पे वन की जगह टू डाल दिया तो ये बड़ा हो गया, इससे नहीं हो गया ये नंबर, इससे बड़ा है। और इससे छोटा है कि बड़ा है? क्यों छोटा है? देखो क्योंकि ये तो मैच कर रहा है, अब ये जो हंड्रेड प्लेस है वो क्या हो गया, इसका टू है इसका वन है, छोटा हो गया ये नंबर, इससे बड़ा है और इसका छोटा है, मतलब इसके बीच भी है और रेस्टोरेंट भी है। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक आंसर आप बताओ। ऐसे ही हमें ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा नंबर सोचो आप जो इससे बड़ा हो। अभी सोच लेंगे इतना कैसे सोच लिया, ये ऐसी है, ये ऐसी रेंडमली लिखते जाना है, कुछ भी लिख देना है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। और क्या ध्यान में रखना है, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे
छोटा भी होना चाहिए। तो आप बताओ ये किसके बीच नंबर कोई इरेशनल नंबर। एक तो ये सही बताया उसने आर्यन ने, नहीं चलो तुम बता दो ये बता दो सर 0.2111 2156 2156 987000। ये भी सही क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि देखो ये तीनों नहीं यही देखो ये जीरो है यहाँ पे इससे वन डाल दिया ये 12 नंबर हो गया और यहाँ पे 100th प्लेस पे 2 है 100th और यहाँ पे 100th प्लेस पे 1 है इससे ये छोटा बिल्कुल। आप बताओ एक नंबर 0.22 0101 0001 0001 0001 0001। ये भी अच्छा आंसर है क्योंकि ये इससे बड़ा है क्योंकि इसका 100th प्लेस 1 है इसका 100th प्लेस 2 है इसका 1000th प्लेस 2 है इसका 1000th प्लेस 0 है तो इससे ये छोटा भी है और कोई पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा है समझे। आप बता रहे क्या ये गलत हो जाएगा पता क्यों? हाँ क्योंकि इसका देखो ना इसका 100th प्लस 2 है इसका 100th प्लस 3 कर दिया आपने इसके बाद जीरो भी लिखोगे ना तभी ये 12 हो जाएगा उससे। वन करते इसको चलो यहाँ पे वन करते हैं फिर 0 0 ये भी नहीं चलेगा ये उससे छोटा हो गया यहीं पे नहीं हो गया छोटा ये तीनों तो मैच कर रहे हैं यहाँ पे जीरो लिखा और यहाँ पे वन है तो कौन बड़ा है इस दोनों ऊपर वाला बड़ा है तो बताओ फिर से बताओ मॉडिफाई करो उसे जीरो पॉइंट टू वन हाँ जीरो टू ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक तो मैचिंग है यहाँ पे वन था यहाँ पे टू डाल दिया था बड़ा हो गया था इसके बाद कुछ भी डालो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इसे छोटा ही रहेगा क्यों छोटा रहेगा यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है यहीं से पता चल जा रहा है इतना ही काफी है ये उससे छोटा होगा इसके बाद नाइन भी लिख दोगे ना तब भी ये उससे छोटा ही रहेगा फिर बताओ इसके बाद टू के बाद और भी लिख दो 1 0 0 0 0 0 और ज्यादा लिख लो समझे। आप बताओ मान्या मायरा हाँ यार एक और मान्या भी एक बच्ची है उससे मैं कंफ्यूज हो गया था यस बेटा 0.211 या डैट विल वर्क बिकॉज यहाँ पे वन डालते ही इससे बड़ा हो गया अब यहाँ पे वन डालने से इससे छोटा हो गया इसके बाद बोलो 9 6 7 8 4 5 और लिख देना कम समझ में वो ध्यान रखना होता है कि इससे बड़ा होना चाहिए। अच्छा इसको कौन सा प्लेस वैल्यू बोलते हैं टेंथ जैसे इसको मिटा दो इसको क्या कौन सा वैल्यू प्लेस वैल्यू है इसका वंस प्लेस वंस ये टेंस ये हंड्रेड ये टेंथ ये टेंस ये है हंड्रेड
हंड्रेड नहीं है वो, हंड्रेड ये है वंस, ठीक है, ये टेंथ प्लेस है, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड एंड सो ऑन, टेन थाउजेंड, फिर हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन एंड सो ऑन, समझे? तो हाँ, तो वैसे ये बताओ 0.75 में और 0.765 में कौन बड़ा है? इसको ए माना, इसको बी माना, इस दोनों में कौन बड़ा नंबर है? ए और बी में से कौन सा आंसर होगा? आप बताओ कौन सा बड़ा है? बी बड़ा है। देखो टेंथ प्लेस तो मैच कर रहा है, इसका हंड्रेड प्लेस ज्यादा है, ये बड़ा नंबर होंगे। नहीं समझे? इसका क्या है, हंड्रेड प्लेस बड़ा है, ये बड़ा नंबर हो गया। अब बताओ, आप ही बताओगे कौन बड़ा है दोनों में? हाँ, ये बड़ा है, क्यों? टेंथ प्लेस सेम है, हंड्रेड प्लेस सेम है, थाउजेंड प्लेस सेम है, और इसका टेन थाउजेंड प्लेस ज्यादा है इससे, तो यहीं पे ज्यादा हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है फिर, समझ गए? गुड, समझ जाओगे कैसे चेक करता है? चलिए और बताइए कौन सा डाउट? आरडी शर्मा, नहीं आपको डाउट? हाँ, फोर्टीन, तुम क्या भाई? फोर्टीन क्वेश्चन है, वन मोमेंट, टू डैट रूट क्या है, थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ये आप तो डाउट के लिए पूछा फिर आपने, नहीं ये गलत है, अच्छा ये बताओ एक 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 और थ्योरम लिखा है, इरेशनल प्लस इरेशनल, ये क्या होता है? कहाँ लिखा रहे, देखो जरा नोटबुक, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? नाउ डिड आई, पढ़ो जरा, लिखो नोट्स को पढ़ो जरा एक बार, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? हाँ, इरेशनल प्लस इरेशनल जो है ना, कैन बी समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, वी कांट से कि इरेशनल ही होगा कि इरेशनल होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये बताओ टू माइनस रूट थ्री, ये रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ऐसे बताओ थ्री प्लस रूट थ्री, ये रैशनल है कि इरेशनल है? ये तो इरेशनल है, और ये भी क्या है? अब दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रूट थ्री कट जाएगा तो फाइव आ जाएगा, तो रैशनल हो जाएगा। तो अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तब ऐड करोगे तो इरेशनल आता है, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तब उनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे
तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन दोनों इरेशनल है तो समटाइम रैशनल भी आ सकता है, समटाइम इरेशनल भी आ सकता है। आप जैसे बताओ तो रूट, हाँ तो ये इरेशनल है। देखो रूट थ्री भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इसका सम भी इरेशनल होगा, ये बोल सकते हैं क्या? क्योंकि इरेशनल प्लस इरेशनल मे बी रैशनल एज वेल, तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये इरेशनल है? बताओ ये कैसे प्रूव करोगे कि इरेशनल? देखो एक नया तरीका सिखाएंगे प्रूफ करने का। एक होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये भी प्रूफ करने का तरीका होता है। क्या कौन सा मेथड होता है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, इसी क्वेश्चन को फर्दर समझा जाता है कि हाउ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन वर्क्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान लिखना मत, अभी समझो क्या होता है। इफ हम यहां पर मान लेंगे, लेट अस एज्यूम रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज रैशनल। हमें नहीं पता क्या है, हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। लिखो मत, इसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। क्या मान लिया, रैशनल। ठीक है, देयरफॉर अगर ये रैशनल है तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव को क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर, और नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू, P and Q are integer and Q not equal to 0. अगर ये rational मैंने मान लिया, इसको किस में लिख सकते हैं फिर? P by Q के form में लिख सकते हैं फिर। हमने क्या मान लिया? इसको मान लिया कि rational है। इसको हमने assume कर लिया क्या है? Rational है। तो इसको हम P by Q के form में लिख सकते हैं। Therefore root 3 plus root 5 को P by Q के form में क्यों लिखा? Because we assume that कि root 3 plus root 5 is rational. P, Q are integers and Q not equal to 0. हमने क्या मान लिया इसको, रैशनल मान लिया। अगर रैशनल मान लिया ना तो उसको P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन P by Q फॉर्म। समझ गए? या अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको P by Q के फॉर्म में लिख ही सकते हैं फिर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अब दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान से समझना, लिखना मत, तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू P by Q का होल स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इधर लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ये, a स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट फाइव इक्वल टू हाउ मच, समझे?
रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, ये कितना हो जाएगा इनटू करोगे तो टू रूट फिफ्टी इक्वल टू समझे यहाँ पे। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा और सॉल्व करो, एट प्लस टू रूट फिफ्टीन इक्वल टू क्या पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। टू रूट फिफ्टीन कितना हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस एट, टू रूट फिफ्टीन कितना हो जाएगा अगर क्यू स्क्वायर इससे ले लो तो क्या जाएगा पी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर। तो रूट फिफ्टीन कितना आ गया पी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सबको? देख नहीं आया समझ में, कहां पे नहीं आया समझ? हम एट को उधर ले गए और कुछ नहीं किया, ये एट को उधर ले गए और फिर इधर एलसीएम ले लिया तो क्या होगा एलसीएम क्यू स्क्वायर, तो इसके नीचे तो क्यू स्क्वायर हाई ये पी स्क्वायर रहेगा, बस उसको क्यू स्क्वायर से इनटू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ये समझ में आया? उधर देख रही हो ये समझ में आया? ये वाला कहां पर दिक्कत बताओ, यहां तक समझ में आ गया आपको? तो पहले बोलना चाहिए था। देखो हमने हमें ये प्रूव करना है कि ये रैशनल है, तो हमने इसको मान लिया रैशनल, हमने क्या मान लिया रैशनल मान लिया, किसको रैशनल मान लिया रूट थ्री प्लस रूट फाइव को। अगर इसको रैशनल मान लिया ना आपने तो फिर इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कर दिया, अब इधर लगा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए टाइम्स बी, इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। समझे नहीं समझे? क्या समझे? स्क्वायर किया, यहाँ पे किसका फॉर्मूला गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये पी बाई क्यू का स्क्वायर क्या होता है जब डिवाइड रहता है ना तो ये स्क्वायर अलग अलग हो जाता है, समझे? लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा रूट नाइन होगा, रूट नाइन कितना होता है थ्री, रूट फाइव का स्क्वायर कितना होगा रूट ट्वेंटी फाइव, तो फाइव अब टू छोड़ दिया रूट से रूट वाला इनटू हुआ तो रूट फिफ्टीन आ गया इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद थ्री प्लस फाइव कितना हो गया वहां पे थ्री प्लस फाइव क्या हो गया एट प्लस टू रूट फिफ्टीन इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, वहां तक समझ में आ गया? गुड। अब क्या किया इस एट को उधर भेज दिया, ध्यान से समझना, इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा करने के लिए मैं आप लोगों को। अब इस एट को उधर भेज दिया, अब फिर यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया, इसके नीचे क्या था वन था, तो नीचे क्या बनाना लिखा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा माइनस क्या आएगा एट क्यू, ये समझे क्यों आएगा हाँ? आपको डाउट है? आपको डाउट है? एक और तरीके से मैं समझा देता हूँ, ऐसा करो डाउट हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन दूंगा तो फिर उसमें अटक जाओगे, फिर टू रूट फिफ्टीन इसको ले लिया पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको ले लिया माइनस एट क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्यों ले लिया सेम डिनोमेटर बनाने के लिए, ऐसे तो करते हैं अगर डिनोमेटर, इसका डिनोमेटर क्या है वन, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे क्यू स्क्वायर बना दिया वहां पर, टू रूट फिफ्टीन कितना हो गया बताओ, अब क्यू अब डिनोमिनेटर सेम बन गया, ऊपर को माइनस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, अब टू इंटू में है यहाँ पे ना तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा तो रूट फिफ्टीन कितना आ जाएगा फिर
टी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर अपॉन टू क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? पक्का? सोच लो एक बार और, देख लो ध्यान से देख लो, फिर समझा देंगे ऐसे, कोई डाउट। स्टार्टिंग से एक बार और सारा स्टेप्स ले लो। अब दोबारा फिर डाउट होगा तो बता देंगे, ऐसे कोई दिक्कत। ओके समझ गए? हाँ अब देखो ये बताओ, रूट फिफ्टीन क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? रूट फिफ्टीन, रूट फिफ्टीन इरेशनल है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, इरेशनल। और राइट साइड पर जो नंबर है वो रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल है। क्यों? यहां मतलब माइनस भी है बहुत सारा है ना? देखो P और Q क्या है यहाँ पर बताओ, what is P and Q here? Integer। तो P integer है तो P का square क्या होगा? Integer ही होगा। Q क्या है? Integer है तो Q का square क्या होगा? अच्छा 8 into integer क्या होगा? Integer ही होगा। और ये P square भी integer है, integer minus integer क्या होगा? Integer ही होगा। और क्यू स्क्वायर क्या है? टू इंटू क्यू स्क्वायर क्या होगा? ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। समझे? तो राइट हैंड साइड में क्या है? इंटीजर ही आएगा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, ये क्या आ गया? रैशनल। तो ये तो क्या अनर्थ हो गया? हमने क्या प्रूव कर दिया रैशनल किसके इक्वल है? रैशनल। तो ऐसा पता क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने अज्यूम किया है कि वो रैशनल है, तो वो अज्यूम हम कर ही नहीं सकते फिर। यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं समझे? जैसे मुझे प्रूव करना है कि आप झूठे हो, ठीक है? मुझे कैसे प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि आप झूठे हो? चलो ये कोई पर्सन है, हमें मुझे प्रूफ करना है कि झूठा है, पर इसको बोल लो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि तू झूठा है ना? हमने बोला ठीक है भाई, हम मान लिए कि तू सच्चाई है। हमने क्या मान लिया? उसको मान लिया कि तू भाई वो मानने को तैयार नहीं है। बोला भाई प्रूफ करो कि मैं झूठा हूं। नहीं, वो बोला कि प्रूफ करके मेरे को झूठा है। हमने मान लिया कि ठीक है तू सच्चा है। फिर उसके साथ जितने भी टाइम बिताया उसमें से एक जगह दिखा दिया कि भाई तू यहाँ पर तो झूठ बोला था, तब वो बोलेगा क्या? अब ये प्रूफ हो गया कि झूठ है। एक हमने उसको स्टेटमेंट दिखा दिया कि आपने तो ये बोला था, है ना? नहीं, आप बोले थे कि 6 बजे आओगे पर आप आए नहीं मिलने के लिए, झूठे हो गए। तो वही हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था कि इरेशनल है। हमने इसको क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। अब फिर देखा है, फिर यहाँ पर उसको रैशनल मानने से एक अनर्थ आ जा रहा है। अनर्थ मतलब समझ रहे हो? समथिंग रिडिकुलस आ जा रहा है, कुछ गलत मीनिंग आ जा रहा है। तो गलत मीनिंग आने का कारण जो है ना, हमने मानी गलत लिया है, मतलब हम इसको रैशनल नहीं मान सकते। तो ये दोनों चीज, ये क्या है? ये दोनों सेम है क्या? नहीं है ना? यहाँ पे इरेशनल इक्वल टू क्या आ गया? रैशनल आ गया। तो इसको बोलते हैं विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। यही कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना, समझ गए? आप इंसान को आप जानवर बोल रहे हो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना? नहीं हो गया? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या था? हमने इसको
अगर ऐसा मान लिया था तो हमारा एजम्पशन था कि ये रैशनल है, ये रॉन्ग है। अगर ये रैशनल नहीं तो क्या होगा फिर? विच विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Therefore, root 2 plus, sorry, root 3 plus root 5 will be what? Yeah. समझ गए? लिखो इसको। तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ पाता फिर वो इरेशनली था। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब समझ रहे हो? कॉन्ट्राडिक्शन ये ट्रू नहीं है। एग्जैक्टली कॉन्ट्राडिक्शन मतलब नॉट ट्रू, इनवैलिड चीज आ जाना और वही कॉन्ट्राडिक्शन। तो रेडियो अगले क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चन टेंथ में भी आएंगे फिर आप वापस। टेंथ में कौन नंबर आएगा? नंबर रियल नंबर आएगा वहां पे भी, तो सब फिर इससे ही आएगा वापस। नहीं और भी मेथड है, ऐसी बात नहीं। ध्यान से, अभी भी डाउट होगा तो दोबारा समझा देंगे, है ना? दिख रहा है बेटा? लिख लिया सबने? साफ साफ लिखे हो? Are you sure? देख लो तो मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्शन समझना है क्या? जैसे कोई व्यक्ति आपसे आर्गुमेंट करे, जैसे आपका कोई फ्रेंड है और उसकी गलती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या करो?
तो आप बोलो ठीक है भाई हम मान लिए तुम सच्चाई है, फिर उसको एक एग्जांपल दिखा दो कहीं से, तो फिर वो कुछ नहीं बोलेगा आपको, फिर आपको सॉरी बोल सकते हो नहीं हाँ बेटा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग इरेशनल इक्वल टू रैशनल आप लोगों ने सी लिखा विच इज डॉक्टर वाली राइटिंग लिख दो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग Therefore, root 3 plus root 5 will be irrational. समझ गए? एक और क्वेश्चन इस तरह का लिखो लिखो प्रूव दैट root 3 minus root 2 root 3 minus root 2 is irrational. सेम तरीका है बस नंबर चेंज कर दिया, अब देख के नहीं करना, मैं इसको निकाल देता हूँ हो गया, देखना नहीं है पीछे, पीछे बंद करो कॉपी। हो गया यस ओके।
a minus beta was the whole of the delta. A minus beta was the whole of the delta. Plus b square minus b. Up into minus b square. That's it. इधर फाइव उधर ले जाओगे ना तो माइनस फाइव हो जाएगा और यहाँ पे माइनस टू रूट सिस्टर है टू पी एस का फाइव पी एस का तो इधर ले आओ टू रूट सिक्स को कर सकते हो माइनस रूट सिक्स नंबर इज इरेशनल उसका नेगेटिव भी क्या होगा इरेशनल तो माइनस रूट सिक्स भी क्या होगा फिर यहाँ पे लिखेंगे वो रैशनल फिर लिखेंगे उसकी बात करेंगे ये भी इरेशनल है और ये क्या होगा माइनस टू आया प्लस प्लस ठीक है रेस्टोरेंट की रस्म ये रस्म ठीक ये रस्म है और ये रस्म ओ यहाँ पर ये है विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग देयरफॉर Therefore, root 3 minus root 2 is acidic. Which is open. Here are some equal questions.
और नहीं ये आ रहा है ये लाइन में तो ये दिखाना पड़ेगा कि दर्शन उसको तो दर्शन लग रहा है जो कि वो दर्शन फिर इसके बाद ये लाइन बात ये चीज नहीं है चीज एक बुधवार से भाई हो गया तुम्हारा देखा भैया मुका पर काट पूछा पूरा समझ लो ये काटा वही नहीं है अब सही देखा बोल ध्यान से करना होगा बस इतनी मात्र है ना देयरफॉर रूट थ्री माइनस तो इसको घर पे ट्राई करना दोबारा से ठीक है अगर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब हम ऐसे नंबर दिखाएंगे रूट थ्री को या रूट फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन वो पता है ना कैसे करते हैं जीरो है ये वन है ये टू है सर यहाँ पे टू ले लेंगे और कोई बात नहीं सिखा दूंगा आप ले जाएगा ना डोंट वरी मैं सिखा दूंगा ये भी सिखा दूंगा आपको ठीक है अब देखो अब हमारे पास ऐसा नंबर कोई आ जाए रूट के अंदर भी पॉइंट में आ जाए 5.5 इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन इसको भी हम कर सकते वही तो क्वेश्चन नंबर 4.1.4 का इसको भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट वो सिखा दूंगा मैं दोबारा डोंट वरी आता है नहीं भी आता दोबारा सिखा देंगे डोंट वरी अब ये वाला सीखो ये क्वेश्चन लिखो रवि प्रेजेंट रूट रूट के अंदर पॉइंट आ गया तब कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन रिप्रेजेंट रूट 5.3 ऑन अ नंबर लाइन ऑन अ नंबर लाइन ठीक ओके अब ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनेंगे ना फिर आप खुद भी कर पाएंगे ठीक है तो तीन स्टेप्स है ठीक है लिखेगा कोई नहीं ठीक है ये नंबर लाइन बना दिया मैंने नहीं नंबर लाइन नहीं बनाना इस बार क्या करना है ये कितना है 5.3 है ना तो 5.3 स्केल से मेजर कर लोगे है ना ये 5 है उसका 0.3 करके 5.3 स्केल से बना देंगे इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया और ये कितना लिया मैंने 5.3 पहले काम करता ठीक है पक्का अब देखो स्टेप वन लिखा स्टेप टू ये होता है अब जो बी है ना इधर से एक यूनिट लेंथ और लेना है कितना वन तो मैं सब बड़ा बनाता हूं बोर्ड पे यहां पे मान लिया मैंने सी
ये कितना लिया हमने ये कितना ले लिया वन मोर टाइम. सबसे पहले क्या करना है 5.3 का एक लाइन सेगमेंट बनाना. उसको क्या मान लेंगे ए बी. लिखो मत छोड़ो उसको बंद करो ना कॉपी रख बंद करो फिर सीखो दोबारा. मम्मी ने सिखाया था उससे सिखा यूट्यूब. तो 5. पहला स्टेप क्या है 5.3 का लाइन सेगमेंट बनाएंगे. उसके बाद उस लाइन सेगमेंट को पहले ए बी मान लिया और फिर उधर एक यूनिट और बनाया. समझ गए क्या समझे क्या क्या स्टेप दिया पूरा स्टेप क्या किया बताओ. 5.3 का ए बी लाइन सेगमेंट बनाया और फिर बी को एक यूनिट और आगे बना दिया. अभी जो ए सी है ना ए सी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं एसी का. जैसे मान लो ये कोई लाइन है लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर इसका लाइन सेगमेंट है पी क्यू इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो क्या करेंगे कंपास से इससे हाफ से ज्यादा लेंगे एक इधर आर्क बनाएंगे फिर नीचे और फिर यहाँ पे डालेंगे कंपास को फिर इधर और इधर. तो ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे एसी का. एबी का नहीं किसका एसी का. तो एसी देख लेंगे और उसे थोड़ा आधा ले लेंगे आधा से ज्यादा लेना पड़ेगा फिर एक इधर आज बनेगा फिर नीचे बनाएंगे ए पॉइंट से लेंगे फिर बी सी पॉइंट पे डालेंगे कंपास को इधर करेंगे. ये क्या बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया किसका एसी का. इस पॉइंट को डी मान लेंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझते हो क्या होता है. ये परपेंडिकुलर भी है किस पर एसी पे और एडी किसके इक्वल है डीसी के. मतलब ये एसी को बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है इसलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर ठीक है समझ में आ गया. अब क्या करना है डी पॉइंट पे फिर से कंपास को डालता है और एडी को. अच्छा एडी किसके इक्वल है डीसी. तो एडी को रेडियस लेके या डीसी को रेडियस लेके दोनों एक ही बात है. तो एडी को रेडियस लेके एक यहां पे सेमी सर्कल बना देते. सेमी सर्कल कैसे बनाया हमने डी पे कंपास को रखा और रेडियस कितना लिया एडी ले लिया या डीसी ले लिया एक ही है दोनों बन गए. अब उसके बाद क्या करना पड़ता है बी पॉइंट पे. यहां तक क्लियर है एक बार और बताओ. अब बी पॉइंट पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालें. परपेंडिकुलर कैसे डालते हैं बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो नहीं इससे प्रोटेक्टर से यहां प्रोटेक्टर डाल देना या एंगल भी बना सकते हो 90 डिग्री होता कैसे यहाँ पे बी पॉइंट पे एक आर बना लो छोटा सा इस और फिर इसी से यहाँ पे करेंगे फिर यहाँ पे फिर इसको डिवाइड करेंगे और ये 90 डिग्री बन गया हमारा. कहाँ पे बन गया 90 डिग्री समझे. अब ये जो पॉइंट है ना ये इसको क्या मान लो ई. अब ये जो बी डिस्टेंस है ना ये हमारा रूट 5.3. ये जो बी डिस्टेंस है ये कितना है रूट 5.3. उसको प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस से कि ये रूट 5.3 यही क्यों होगा उसको प्रूव कर देंगे बाद में करते हैं या थोड़ी देर में करते हैं. यही हो गया रूट पॉइंट 5.3. अब क्या करेंगे बी पे कंपास को रखेंगे तो बी कितना है अब इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देंगे. बी कितना है 5.3 तो बी पे कंपास रख के और बी के बराबर रेडियस लेके क्या करेंगे एक आर्क बनाएंगे ऐसे और फिर नंबर लाइन को काट देंगे.
तो ये जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, तो कहां से 5.3 है ये पॉइंट, कहां से लेके से, अरे भाई बी से ही तो बनाया है, ये डिस्टेंस बी से ई का जो डिस्टेंस है, बी से ये डिस्टेंस, ये इस आर्क पे जितने भी पॉइंट है ना सबका डिस्टेंस बी से बराबर ही रहेगा, क्योंकि बी को सेंटर मान के आपने सर्कल बनाया है, आर्क बनाया है, तो बी से ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, तो बी से यहां तक का डिस्टेंस ही हुआ, तो इसलिए यहां पे वन लेते हैं, तो ये बी वाला पॉइंट क्या है यहां पर, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो लेंगे, और सी वाला पॉइंट कितना है, वन है, और ये 5.3, समझा कुछ, ए से कैसे बता दिया किसी ने, किसी ने डी से बता दिया, ऐसे ऐसा क्यों लगा यार, ऐसा लगने से क्या होता है, लॉजिक होना चाहिए ना क्या कुछ, देखो मेरे को लगा तेरे को लगा वो सब कुछ नहीं होता है, जो सही है वही लगना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चाहिए, जब बी से यहां तक रूट 5.3 है तो ये भी रूट 5.3 होगा, नहीं तो हम बी को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, नंबर लाइन, अब सोचेंगे अब नंबर लाइन तो पहले बना दिया, अब जीरो कहां पे मार्क करेंगे, यहां पे, क्यों जीरो बी पे क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि जीरो से शुरू होगा ये जीरो है तो ये क्या है, वन है, और फिर ये कितना है टोटल जीरो तक, यहां तक रूट 5.3, समझे बात पक्का, तो लिखो नहीं समझो, कहां पर नहीं समझो, चलो एक बार और समझा रहे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, फिर दूसरा क्वेश्चन मैं दूंगा, एक बार में आप 10 का भी पूछ सकते हो ना इसमें, लेकिन आपने एक बार बोल दिया कि समझ में आ गया तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, फिर डांट खाओगे, अभी आप कितनी बार भी पूछ सकते हो, 10 बार भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा तो ध्यान से सुना बच्चे, लिखो मत, आपको जो क्वेश्चन दूंगा वो करना, ठीक है, पहला स्टेप वन 5.3 का एक लाइन से, ये नंबर लाइन नहीं बनाया है, नंबर लाइन इसी लाइन को नंबर लाइन बाद में बनाएंगे, तो कैसे बनाओगे सीधा, देखो तो टेढ़ा हो गया थोड़ा मेरा, बिल्कुल एग्जैक्ट करने के लिए स्केल यूज करना पड़ेगा, अभी ऐसी बना, हाँ अभी बना, अभी स्केल नहीं है, अभी ऐसे कर रहे, सबसे पहले स्टेप वन सुन लो, जितना भी रूट के अंदर है उतने यूनिट का एक लाइन सेगमेंट बना लेना, उसका नाम दे देना ए बी, तो ए बी क्या है बाबू, 5.3, रूट 5.3 नहीं है, ये कितना है 5.3, उसके बाद क्या करना है, बी को एक्सटेंड करना है, इधर कितना एक्सटेंड करना है, वन, अभी फिलहाल वन ही करना है, बाद में फिर इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ये कितना है, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना है 5.3, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है, ये जो हमने लिया है वन, समझ गए, अब क्या करना है, ये दो स्टेप क्लियर है, अब एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो हम एसी जितना होगा ना उसके आधे से, आधा कहीं यहाँ पे होगा, उसे थोड़ा बड़ा लेके एक यहाँ पे आर्क बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, फिर तो ये आर्क ऐसे कुछ बन जाएगा, ए से रख के फिर सी से रख के भी आर्क बनाएंगे, ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, एसी, ठीक है, अब इसको कोई पॉइंट मान लेते, क्या मान लेते, डी मान लेते, अब D को सेंटर लेके और DA को रेडियस लेके, DA किसके बराबर है, क्योंकि D परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AC का, मतलब AC को
एसी को दो इक्वल पार्ट में डी डिवाइड करता है, मतलब ये और ये इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी, ठीक है। अब डी को सेंटर लेके और एडी को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बना लिया किधर यहां तक, अब कुछ नहीं करना है। अब बी पे एक परपेंडिकुलर डाल देना है, बस बी पे क्या डाल देना है, परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर बनाते हैं, बी पे कंपास रख के किसी भी साइज का एक आर्क बना दो, ऐसे बना दिया, और फिर यहां से जितना आर्क था उतना ही रेडियस का फिर यहां तक काटोगे, फिर यहां से यहां तक काटोगे, ये 120 है, 60 है, फिर इसको बाइसेक्ट करने के लिए ऐसे, ये पहले भी 6 हो गए, और फिर इसको मिला देंगे ऐसे, ये 90 डिग्री बन गया, कहां पे, डी पे, समझ गए। अब क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देना है, अब हम लाइन सेगमेंट बना रहे हैं, बी पॉइंट हमारा क्या है, 0 है, सी पॉइंट क्या है, 1 है, यहां पे मान लेता हूं क्या, 2, यहां पे क्या, यहां पे 3 एंड सो ऑन, समझे। अब क्या करना है, ये जो बी जो परपेंडिकुलर डाला है ना, ये परपेंडिकुलर सर्कल को जहां पे काटा है ना उस पॉइंट को ई मान लेंगे, तो ये जो सेमी सर्कल है और ये जो परपेंडिकुलर है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ई है, तो ये जो लेंथ बी से ई तक का जो लेंथ होता है ये क्या होता है, रूट 5.3 होता है, क्यों होता है वो प्रूव कर देंगे, ये रूट पाइथागोरस थ्योरम से होगा, ये डिस्टेंस कितना है, रूट 5.3। अब हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस रूट 5.3 है, तो हम नंबर लाइन पे रूट 5.3 बना सकते हैं, कितना रेडियस बी के बराबर रेडियस लेके बी पे कंपास को रख के क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल आर्क बना देंगे, समझे। तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, ये समझे, अब इसको लिख लीजिए, लिख लिया, ये थोड़ा सा ये आगे जाएगा, थोड़ा सा टू से आगे जाएगा, रफ है ना, क्योंकि रूट 5.3 टू से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि रूट 4 होगा तो कितना होता है, टू से बड़ा ही होना है ना, उसी को स्केलिंग थोड़ा छोटा कर दो, टू थोड़ा पहले मान लो, उसको थ्री मान लो, था ना, हाँ सही, उधर टू मान लो, अगर ज्योमेट्री बॉक्स है तो उससे बना लो, है क्या है, तो उससे बनाओ, उससे बढ़िया बनेगा, फिर कोई बात नहीं, बना दो उससे, और वो क्वेश्चन करो एनसीईआरटी वाला, क्या था वो 9.3 करो, या वही करो, ये छोड़ दो, लिखो ये क्वेश्चन है 1.4 का, रिप्रेजेंट 9.3 रूट ऑन द नंबर लाइन, इसको करो आप, ठीक है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी का 1.4, Thank you.
हो गया 9.3। वो तो सही है, वो मैं मेथड दे दूंगा बस, समझ लो। सही है, गुड। क्या चल रहा भाई? बंद करो उसको। क्या That's good. अरे कुछ भी आएगा कर देंगे, बस ऐसा होना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, समझ लो। मैं फर्स्ट मे को है हो गया मायरा ओके सही है, परफेक्ट। अब ना घर पे जाके एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी शर्मा का 1.5, ठीक है, ये करके आना कल। कल सुबह 11 बजे क्लास होगी, और ये सब ज्योमेट्री बॉक्स से करके, ज्योमेट्री सॉरी कंपास से करके आना, एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। 1.5 आरडी शर्मा, ठीक है। अब खत्म हो जाएगा चैप्टर फिर, अब ऑलमोस्ट आप बनाए बना लिया आपने, ठीक है। तो होमवर्क में क्या करके आओगे? 1.5 आरडी शर्मा, ठीक है। एनसीईआरटी से कोई होमवर्क नहीं, वो सारा हो गया सारा। एक एक्सरसाइज आता है वो अभी हम बात करेंगे, वो एक्सपोनेंट वाला है। आप जाओगी? हो गया है ना, होमवर्क को क्या करके आओगे? 1.5, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।